ये रिश्ते क्या कहलाता है में हमने हर बार देखा है कि जब भी अभिमन्यु और अक्षरा मिलकर कुछ ठान लेना तो उस मुसीबत को वो चुटकी बजाकर खुद से दूर कर देते हैं। तो अब हम कुछ ऐसा ही होता देखने को मिलने वाला है जहां पर हमें ये देखने को मिलेगा कि कायरव सब कुछ सामने रख देगा अभिमन्यु के, जो भी अक्षरा ने इस एक साल में सहन किया था। और वो कहीं ना कहीं ये बात अपने मन में ही दबाए बैठी थी, बेचारी सिचुएशंस ऐसी हो गई थी जिस वजह से वो ये किसी के साथ शेयर ही नहीं कर पा रही थी। तो अब हम देखने वाले हैं फैम जहां पर अभिमन्यु और अक्षरा ने किसी ना किसी तरह से नील और आरोही की तिलक सेरेमनी तो अटेंड कर ली होगी, लेकिन अब जब महिमा बिरला के कहने पर 3 दिन यानी कि अगले 3 दिन बाद नील और आरोही की शादी फिक्स होने की बात सामने आ गई जिसने सबको हैरान करके रख दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ आरोही का कुछ जो पेपर्स हैं जिससे कि सब कुछ उसका हो जाएगा, उसे नील से साइन भी कराना है, वहीं अक्षरा को उन पेपर्स के बारे में पता भी लगाना है और आरोही के किसी भी प्लान को सक्सेसफुल होने से रोकना भी है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या ये अक्षरा के इस एक साल के बीच में जो भी उसने सैक्रिफाइस किया है, इस बात को समझकर क्या अभिमन्यु जो हैं वो अक्षरा का साथ देंगे आरोही का कच्चा चिट्ठा सबके सामने रखकर, और नील की जिंदगी बर्बाद होने से क्या वो दोनों मिलकर बचा पाएंगे, या फिर इस बार तो डेफिनेटली नील आरोही के इस प्लानिंग का शिकार हो ही जाएगा। जाने के लिए ये रिश्ता देखते रहिए और मेरे साथ हर एक लेटेस्ट अपडेट्स के लिए यूं ही जुड़े रहें।